45 साल के पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री के बाद सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, डॉक्टर धन सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, बिशन सिंह चुफाग, गणेश जोशी, रेखा आर्य और यतीश्वरानंद ने मंत्री पद की शपथ ली। ये सभी पहले भी मंत्रिमंडल में शामिल थे। सीएम पद की शपथ लेते ही पुष्कर सिंह धामी एक्शन में नजर आए। सीएम धामी ने देहरादून में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ली। बैठक में युवाओं और बेरोजगारों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम धामी ने सभी मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर बनाए रखने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर राज्य सरकार काम करेगी। अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। सीएम बने पुष्कर सिंह धामी से प्रदेशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के विकास, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद लगाए हुए हैं। पटरी से उतर चुके सरकारी शिक्षा में सुधार व संसाधनों के विकास को लेकर भी नए सीएम से काफी अपेक्षाएं हैं। शहर के प्रबुद्ध लोगों का कहना है कि धामी पहाड़ के जिए हुए हैं, पहाड़ के दुख दर्द व समस्याओं से परिचित हैं। ऐसे में वह ईमानदारी से प्रयास करें तो राज्य के भीतर की दिशा में नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं। काफी समय से बेरोजगारी से जूझ रहे राज्य के युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। पुष्कर धामी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सरकारी महकमों में 20,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती करने का संकल्प पारित किया गया है। साथ ही रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय भी लिया गया है। अतिथि शिक्षकों और सरकारी पॉलिटेक्निकों के संविदा प्रवक्ताओं को बड़ी राहत देने को भी मंजूरी दी गई है। पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद उनके पैतृक गांव हड़खोला में खुशी की लहर है। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने की खबर सुनते ही गांव में लोगों ने ढोल दमुआ बजाकर उत्साह मनाया। गांव के लोगों को नए मुख्यमंत्री से काफी उम्मीदें हैं। लोगों का कहना है कि नए सीएम भले ही वर्तमान में खटीमा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वह गांव का दर्द भलीभांति जानते हैं। वह सीएम धामी के चचेरे भाई हड़खोला के ग्राम प्रधान गुड्डू धामी ने A24 न्यूज को बताया कि उनके परिवार के लिए यह गर्व का पल है। नए सीएम के नेतृत्व में पूरा प्रदेश उन्नति करेगा। हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज हमारे जो हड़खोला गांव पहले निवासी थे, अभी खटीमा में जो अभी वर्तमान में रहते हैं, और खटीमा से जो दो बार के विधायक हैं हमारे ऐसे आदमी बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी, मेरे जो बड़े भाई हैं, वो अभी इस वक्त उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं। सभी ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अपने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए। और हम ये उनसे अपेक्षा करते हैं उत्तराखंड को लेकर वो नई स्कीम, नई योजनाओं के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करें और रोज़गार के अवसर दें। युवा वर्ग से ही जब से उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपनी छाप छोड़ी। सैनिक परिवार में जन्मे विधायक पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की सियासत में लंबी रेस का घोड़ा माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि सियासत की बारीकियां धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की छत्र छाया में सीखी हैं। प्रदेश की नौकरशाही पर बेलगाम होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में प्रदेश की नौकरशाही को संभालने में भगत सिंह कोश्यारी के साथ काम करने का अनुभव पुष्कर सिंह धामी के काम जरूर आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पुष्कर मंत्री नहीं, एक दिन प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो थी आज की खास न्यूज। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मेरे दिल के बड़े करीब है जो ये चैनल चलाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर लीजिए।